मीरपुर की यह पिच तीन तेज गेंदबाज खिलाने वाली नहीं थी। मेरे ख्याल से थी, क्योंकि थोड़ा सा अप एंड डाउन वो था, लेकिन हाँ पहले दिन के बाद में शायद ये स्पिन को ज्यादा फेवर करती थी। तो लुकिंग एट यू नो ब्रॉडर पिक्चर, शायद तीन सीमर खिलाना में भी उचित नहीं था। डीआरएस लेने के मामले में राहुल को खुद पर भरोसा नहीं होता। जी हाँ, डीआरएस मुझे नहीं लगता है कि हमने बहुत अच्छे से यूज किया है, और खास करके सिराज, मुझे ऐसे लगता है कि जब सिराज डीआरएस मांगते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि वो डोंट रिव्यू सिराज है। अक्षर पटेल को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजना भारत का डिफेंसिव अप्रोच था। नहीं, आई थॉट, मुझे लगा कि वो थोड़ा अटैकिंग और मे बी एक यू नो क्या बोलते हैं एक्स फैक्टर जैसा वो डिसीजन था, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा डिसीजन है। बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक उजागर हो जाती है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि अप्रोच यू नो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। फिफ्थ डे, और ये फिफ्थ डे तो है ही नहीं, ऐसे भी थर्ड डे है, लेकिन जब बॉल स्पिन करता है तो मुझे लगता है कि थोड़े से यू नो हमारे बल्लेबाज डिफेंसिव हो जाते हैं। कुलदीप यादव इस घूमती हुई पिच पर खेल रहे होते तो भारत पारी से जीत जाता शायद, और खास करके जब पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, और जैसे बॉल स्पिन होते हुए देख रहे कुलदीप यादव बड़े डेंजरस होते। राहुल की बल्लेबाजी में भारतीय टेस्ट प्लेइंग 11 से जगह खोने का डर साफ झलक रहा है। उनका अप्रोच बड़ा ही टिमिड है, और उसके अलावा यू नो ये इनिंग और ये टेस्ट मैच एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि अगला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, रोहित वापस आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही साधारण सी सीरीज गई है उनके लिए एज ए बैट्समैन। शाकिब अल हसन ने बतौर बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक जिम्मेदारी नहीं उठाई। जी हाँ, स्पेशली जितने कद के वो यू नो बल्लेबाज हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनका अप्रोच स्पेशली यू नो शॉर्ट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा उनको बेहतर करना होगा।